हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करते हैं और हम कैसे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें सिंपल सीएसएस यूज़ की गई है। तो हम अपनी एप्लीकेशन स्टॉप करते हैं और एक छोटी सी कमांड रन करते हैं, npm install bootstrap -- save। तो हमारा ये npm पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो ये नोड मॉड्यूल में, फिर वहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक फ़ोल्डर होगा, बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर, उसके अंदर डिस्क के अंदर css के अंदर एक bootstrap.min.css की फ़ाइल होगी, वो हमने यूज़ करनी है angular.json में। हम angular.json फाइल ओपन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नीचे आकर स्टाइल्स की एरे होगी, तो उसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप का पाथ देना है। तो यहाँ बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ऐड हो गई है। तो अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि ये फाइल चल रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप ऐड हो गई है, तो इसके अंदर बॉर्डर लाइन जो है वो भी चेंज हुई है और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हुआ है। हमने यहाँ टेबल की css रिमूव करनी है css फाइल से, और हमने बूटस्ट्रैप की css ऐड करनी है। तो सबसे पहले रो होगी, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर हमारा टेबल होगा। तो इस रो को कंटेनर के अंदर रख देते हैं ताकि लेफ्ट और राइट मार्जिन हो और थोड़ा खूबसूरत दिखे। तो अब हम टेबल को कट करते हैं और कॉलम के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट मार्जिन भी है और थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है। तो टेबल पर क्लास ऐड करते हैं सी बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर टेबल होवर है। तो ये जब हम माउस को होवर करेंगे तो होवर दिखेगा ये इस टाइप का। तो अब जो ये टी हेड है इनको बोल्ड करते हैं, और ये जो नंबर हैं सीरीज़ हैं इनको भी बोल्ड करते हैं। तो अब प्रोफाइल पिक को थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ी है। तो हैं css में, css के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर रो है, रो के अंदर td है, और td के अंदर इमेज फाइल है, इमेज टैग है। तो उसकी विड्थ हम दे देते हैं 50 pixels, मे भी ठीक हो। हाँ ठीक है, अब सही दिख रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप ऐड हो गई है।